हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास टेंथ की केमिस्ट्री का एक चैप्टर उठा रहे हैं, परसेंटेज कंप्यूशन। ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक सिंपल से फॉर्मूले से ही हम इनके क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हैं। अगर हमें किसी भी एलिमेंट का परसेंटेज निकालना है तो परसेंटेज ऑफ दैट पर्टिकुलर एलिमेंट विल बी इक्वल टू मास ऑफ एलिमेंट डिवाइडेड बाय मॉलिकुलर मास ऑफ द कंपाउंड मल्टीप्लाइड बाय 100। एक सिंपल सा क्वेश्चन देखते हैं इस फॉर्मूले के ऊपर। क्वेश्चन को हम थ्री स्टेप्स में सॉल्व करेंगे। सपोज हमें परसेंटेज ऑफ कार्बन फाइंड करना है इथेन में। एटॉमिक वेट ऑफ कार्बन गिवन है 12 और हाइड्रोजन गिवन है 1। तो सबसे पहले इथेन का फॉर्मूला लिख लेते हैं, C2H6। हमें पता है इथेन का फॉर्मूला C2H6 रहता है। पहले स्टेप में हम इसका मॉलिक्यूलर वेट फाइंड करेंगे। मॉलिक्यूलर वेट ऑफ इथेन कितना होगा? 2 मल्टीप्लाइड बाय 12 प्लस 6 मल्टीप्लाइड बाय 1, 24 प्लस 6, 30। इथेन का मॉलिक्यूलर वेट हमें मिल गया। इस मॉलिक्यूलर वेट में क्योंकि हमें कार्बन की परसेंटेज निकालनी है तो कार्बन का पार्ट ये है, तो वेट ऑफ कार्बन अगर हम लिख लें, मास ऑफ कार्बन हो जाएगा 2 × 12, इट मीन्स 24। लास्ट स्टेप में हम सीधे परसेंटेज ऑफ कार्बन फाइंड करेंगे। परसेंटेज ऑफ कार्बन अगर हमें निकालनी है तो परसेंटेज ऑफ कार्बन होगी मास ऑफ कार्बन डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर मास 30 मल्टीप्लाइड बाय 100। कार्बन का परसेंटेज आ गया। मूव ऑन करते हैं सेकंड क्वेश्चन पर। सेकंड क्वेश्चन उसके कंपैरिजन में थोड़ा सा हमने हार्ड लिया है। हमें परसेंटेज ऑफ बोरोन फाइंड करनी है बोरेक्स में। बोरेक्स का जो केमिकल फॉर्मूला है वो ये है, Na2B4O7.10 वाटर। एटॉमिक मास हाइड्रोजन का 1, बोरोन का 11, ऑक्सीजन का 16 और Na का 23 गिवन है। तो फिर से वैसे ही करेंगे। स्टेप वन में हम इसका मॉलिक्यूलर वेट फाइंड करेंगे। मॉलिक्यूलर वेट फाइंड करते हैं बोरेक्स का। Na 2 है हमारे पास, तो 2 × 23, क्योंकि एटॉमिक मास Na का 23 रहता है। बोरॉन 4 है, 1 बोरॉन का एटॉमिक वेट 11 है, तो 4 बोरॉन का एटॉमिक वेट 4 × 11 होगा। O 7 है हमारे पास, तो 16 × 7 प्लस 10। हम वाटर का एटॉमिक मॉलिक्यूलर वेट सीधे सीधे याद रख सकते हैं। वाटर का मॉलिक्यूलर वेट 18 होता है, 16 O का और 2 H का। तो हम सीधे 18 × 10 कर दे रहे हैं। इसको कैलकुलेट करते हैं तो मॉलिक्यूलर वेट हमारा आ जाएगा 46 प्लस 44 प्लस 112 प्लस 180। इसको सॉल्व करते हैं। थ्री एट्टी टू ये हमारा मॉलिक्यूलर वेट आ गया बोरेक्स का। इसमें परसेंटेज हमें बोरॉन की फाइंड करनी है, तो बोरॉन कहां पर है? बोरॉन 4 ये था, तो वेट ऑफ बोरॉन ये स्टेप 2 में हमको निकालना था। तो स्टेप 2 में जो मास ऑफ बोरॉन होगा, केमिस्ट्री में फिलहाल मास और वेट एक ही रहेगा, तो मास ऑफ बोरॉन हमारा 44 हो गया। लास्ट स्टेप में हम परसेंटेज ऑफ बोरॉन फाइंड करेंगे। सिंपली सेम फॉर्मूला यूज करेंगे, मास ऑफ बोरॉन अपॉन मॉलिक्यूलर मास इनटू 100। तो मास ऑफ बोरॉन हमारा 44 है डिवाइडेड बाय 382 इनटू 100। सॉल्व कर लेते हैं इसे। (2200/191%) इसको फर्दर डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे अगर हम, तो ये 11.5% अप्रोक्सीमेटली आ जाए। थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं।
इसमें हमें परसेंटेज ऑफ वाटर और क्रिस्टलाइजेशन फाइंड करना है Na2S.9H2O में। अगेन सेम प्रोसीजर हम फॉलो करेंगे, पहले इसका मॉलिक्यूलर वेट फाइंड कर लेते हैं। 2 सोडियम की एटम्स है हमारे पास, तो 2 × 23 प्लस सल्फर 32, 9। पूरे वाटर का मॉलिक्यूलर वेट हम 18 दिए ले रहे हैं जैसा कि आप लोग को बताया था। इसको सॉल्व करते हैं, 46, 32, 162, 240। मॉलिक्यूलर वेट हमारे पास आ गया है 240। इस मॉलिक्यूलर वेट में वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन हमें कहां पे दिख रहा है, ये पोर्शन वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन का है। तो मास ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, मास ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन हो जाएगा। परसेंटेज अब हम आसानी से निकाल सकते हैं, परसेंटेज ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन सिंपली जो फॉर्मूला हम लोग यूज कर रहे हैं बार बार वही यूज करेंगे, मास ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन डिवाइडेड बाय टोटल मॉलिक्यूलर वेट मल्टीप्लाइड बाय 100। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इस कंपाउंड में जो था उसके परसेंटेज हमारी आ गई 67.5%। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ये क्वेश्चन भी सिमिलर है पर सेम प्रोसीजर हमें दो बार फॉलो करना पड़ेगा। इसमें हमें हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन पता करनी है कि किसमें होगी, कैल्शियम नाइट्रेट में कि कैल्शियम साइनाइड में। तो पहले हम नाइट्रोजन की परसेंटेज निकालेंगे कैल्शियम नाइट्रेट में, फिर हम नाइट्रोजन की परसेंटेज निकालेंगे कैल्शियम साइनाइड में, फिर ऑटोमेटिकली हमें पता चल जाएगा कि नाइट्रोजन की परसेंटेज किसमें ज्यादा है। तो स्टार्ट करते हैं, कैल्शियम नाइट्रेट का मॉलिक्यूलर वेट 40, नाइट्रोजन यहां पे 2 है तो 2 × 14 प्लस ऑक्सीजन के 6 एटम्स है, 3 × 2 = 6 हो जाएगा, और 1 ऑक्सीजन एटम का 16 है एटॉमिक वेट, तो 16 × 6 मॉलिक्यूलर वेट ऑफ कैल्शियम नाइट्रेट आ गया हमारे पास 164। कैल्शियम नाइट्रेट में नाइट्रोजन हमें कहां पे दिख रही है, नाइट्रोजन वाला पोर्शन ये है, इट मींस मास ऑफ नाइट्रोजन हमारा हो जाएगा 28। नाउ वी कैन इजीली कैलकुलेट परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन हो जाएगी 28 बाय 164 मल्टीप्लाइड बाय 100। सॉल्व करते हैं, 17.1% approximately 17.1% percentage of nitrogen इसमें आ गई। कैल्शियम साइनाइड में भी सिमिलरली हम नाइट्रोजन की परसेंटेज निकालेंगे, पहले मॉलिक्यूलर वेट फाइंड करते हैं कैल्शियम साइनाइड का, मॉलिक्यूलर वेट कैल्शियम साइनाइड का, कैल्शियम 40, कार्बन 12, 2 नाइट्रोजन एटम्स है तो 2 × 14 80 मॉलिक्यूलर वेट आ रहा है। मास ऑफ नाइट्रोजन, इसमें नाइट्रोजन वाला पोर्शन कौन सा है, नाइट्रोजन वाला पोर्शन ये रहा, इट मींस नाइट्रोजन यहां भी 28 थी। अब हम इजीली परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन फाइंड कर सकते हैं, मास ऑफ नाइट्रोजन डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट मल्टीप्लाइड बाय 100। 35%।
क्लियरली हम देख सकते हैं नाइट्रोजन की परसेंटेज कैल्शियम साइनाइड में जो है ज्यादा है, तो कैल्शियम साइनाइड हम इसमें सेलेक्ट कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये क्वेश्चन भी थोड़ा सा डिफरेंट है, इसमें हमें मास फाइंड करना है नाइट्रोजन का जो कि यूरिया सप्लाई करेगा सॉइल को। कैलकुलेट मास ऑफ नाइट्रोजन सप्लाइड टू सॉइल बाय 5 किलोग्राम ऑफ यूरिया। अब ये क्वेश्चन देखने में थोड़ा डिफरेंट लग रहा है, पर सेम तरीके से हम इसे अटेम्प्ट कर सकते हैं। पहले हम नाइट्रोजन की परसेंटेज निकालेंगे यूरिया में कितनी है, तो स्टार्ट करते हैं। पहले मॉलिक्यूलर वेट यूरिया का फाइंड कर लेते हैं। मॉलिक्यूलर वेट ऑफ यूरिया हमारा नाइट्रोजन 14 प्लस 2 हाइड्रोजन 1 मल्टीप्लाइड बाय 2 कार्बन 12 ऑक्सीजन 16 नाइट्रोजन अगेन 14 एंड हाइड्रोजन 2 मल्टीप्लाइड बाय 1। सॉल्व करते हैं इसे। 14 प्लस 2 16 26 28 38 44 54 58 60 मॉलिक्यूलर वेट ऑफ यूरिया आ गया 60। यूरिया एक इंपॉर्टेंट केमिकल कंपाउंड है, फर्टिलाइजर है। इसका मॉलिक्यूलर वेट यूजुअली जो है लोगों को याद भी रहता है, तो इसका मॉलिक्यूलर वेट लर्न कर लेना 60 होगा। मॉलिक्यूलर वेट ऑफ यूरिया हमारे पास 60 आ गया। इसमें नाइट्रोजन कहां कहां पे हमें दिखा है, नाइट्रोजन वाला पोर्शन ये है 14 और एक नाइट्रोजन हमारे पास ये था, बस यही नाइट्रोजन है। तो मास ऑफ नाइट्रोजन 14 प्लस 14 मिल गया 28। अब हम आसानी से परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन निकाल सकते हैं गिवन कंपाउंड में, यही सेम फॉर्मूले का यूज करके। परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन हो जाएगी 28 बाय 60 मल्टीप्लाइड बाय 100। तो अगर हमको यूरिया की अमाउंट दी गई है तो हम ये परसेंटेज 5 किलोग्राम का फाइंड कर देंगे, हमें मास ऑफ नाइट्रोजन मिल जाएगा। मास ऑफ नाइट्रोजन हमारा हो जाएगा 140 बाय 3% ऑफ 5 केजी। किलोग्राम ऑफ नाइट्रोजन जो है यूरिया सप्लाई करेगा सॉइल को। तो इस तरीके से हम लोग ने कुछ परसेंटेज कॉम्पोजिशन के क्वेश्चंस देखे हैं। आगे आने वाले वीडियोस में फर्दर हम और न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स परसेंटेज कॉम्पोजिशन पे और रिमेनिंग टॉपिक्स पे देखेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिएगा, और आगे मेरे सारे आने वाले केमिस्ट्री से रिलेटेड वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।